कहते हैं आज आया आस मोहताज बयान नेस, यानी जो कुछ जाहिर है, जो कुछ भी जाहिर है उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ ये प्रोटेस्ट जो है वो सबसे पहले हमारा जो मुतालबा है 370 का, उसकी बहाली का, 35A की बहाली का, जितने भी कैदी हैं चाहे नौजवान हैं बुज़ुर्ग हैं उनकी रहाई के लिए, अलल खुसूस हमारी लीडर, हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी, जिनको बेवजह कैद बंद में रखा गया है और इस वक्त सारे कश्मीर को तादीब खाना बना दिया गया है। क्या है कि आवाज़ यहाँ की न उठे, महबूबा जी को अगर बाहर करेंगे वो तो उनको ये खदशा है कि कश्मीर की असली आवाज़ जो है वो उठेगी। जब आवाज़ उठेगी तो इनकलाब आएगा, उस इनकलाब से बचने के लिए ये ऐसा करते हैं। और मुझे से बुज़ुर्ग को भी ज़ख्म खाने पड़े, उंगलियां भी देखिए इधर भी ये कट गया है, ये जातियां दफ्तर के अंदर घुस कर करने लगे हैं। ये इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का कत्ल है। जमहूरियत आवाज़ को बुलंद करने का नाम है। जमहूरियत सीने में जो दबी हुई चिंगारी है उसको जलाने का नाम है। जमहूरियत ये नहीं है कि किसी की ज़बान पर ताले लगाए जाएं, आवाम की ज़बान पर ताले लगाए जाएं, कुछ न बोला जाए। तो इसलिए हमारा ये जो मुतालबा है ये हमारा महदूद नहीं, मखसूस नहीं, बल्कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की अतराफ अकनाफ से ये आवाज़ उठ रही है कि यहाँ जमहूरियत बहाल करो, यहाँ जमहूरियत बहाल करो, 370 बहाल करो, 35A बहाल करो और जमहूरियत बहाल करो। हमने प्रोटेस्ट जो किया था, ये प्रोटेस्ट नहीं, हमने कल शॉर्ट नोट्स पीरियड में किया, थोड़ी सी एक मीटिंग कम वर्करों ने बोला कि हमें महबूब जी से मिलने नहीं देते, ना बात करने देते, ना हमारे लीडर को जो हाउस अरेस्ट है उनके बारे में। हमने पीसफुली आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पर। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि महबूब जी को रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पोलिटिकल लीडर्स हैं उनको सबको रिलीज़ किया गया। हालाँकि खाली PDP के लीडर्स ही हाउस अरेस्ट भी है और एक वाही लीडर है महबूब जी बांध है, उसी के हमने सिलसिले में एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया कि हमने अपने सरकार को हमने बात पहुँचाने की कोशिश की। हालाँकि आपने देखा, आप यहाँ पर मौजूद थे कि जो पुलिस ने हमें यहाँ पर बाहर नहीं निकलने दिया, उसके बावजूद हमारे कुछ लीडर्स को बंद किया गया, जिसको दुरूब बाट साहब है, कुशीन साहब वगैरह है, उनको बंद किया, हिरासत में लिया गया। तो हमने कोशिश की कि हमें पीसफुली भी प्रोटेस्ट किया। आप देखिए ये कौन सी डेमोक्रेसी है, किस डेमोक्रेटी की बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप देखिए जिसमें हमें पीसफुली प्रोटेस्ट किया नहीं गया, अपने बात रखने का मौका नहीं दिया। हमारी यही गुजारिश है कि महबूब जी को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पोलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा और जितने भी हमारे हाउस अरेस्ट लीडर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर उनको सबको रिलीज़ किया गया। अगर ये उन्होंने जल्द से जल्द रिलीज़ नहीं किया गया और यहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप नहीं किया, हमारे जो 370 वापस नहीं दिया, 35A की वापसी नहीं की, तो ये आने वाले में एक आंधी क्यों देखिए कि पुलिस ने हमारे साथ काम की, हमारे यहाँ पर बुजुर्ग इंसान के उनके पर हाथ उठाया और हमारे कुछ साथियों को भी अरेस्ट किया गया, जैसे हमारे स्पोर्ट्स मैन सैनिक साहब है और वो बात साहब नौजवान शामिल थे और अंदर भी मीटिंग चली थी और मुख्तसर दिन के दौरान ईरान ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा कश्मीर में मजबूत स्थान पर जो है पंचायत करते रहे और इसके बाद इस गेट के बाहर आने से पहले ही उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया तौर पर।